नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम जायसवाल। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं कामेश जी, कामेश शुक्ला जी, मुंबई से चलकर। तो बहुत दिनों बाद आए हैं, इनसे मुलाकात हुई आज हमारी जो है। और हम सोच रहे हैं आपकी भी मुलाकात करवाएं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। तो कामेश जी नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप और आपके दर्शक भी अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात अनुपम जी से हो रही है। मुझे लगता है कि अनुपम जी 1 साल हो गया होगा, काफ़ी दिन बाद तो मुलाकात हो ही गई, हो ही रही बिल्कुल है। 1 साल बाद हमारी मुलाकात हो तो रही है। इस टाइम पर आपका कोई एल्बम, कोई सॉन्ग वगैरह मार्केट में आया है शायद? हाँ, एक्चुअली विंग्स म्यूज़िक के लिए तो मैं डिवोशनल लगातार करता रहा हूँ अब 2 सालों से, और बहुत सारी भजनें हमारी लोग सुन रहे होंगे, नित्य प्रति सुबह शाम सुन ही रहे होंगे। अभी हमारा एक भजन भोलेनाथ जी का रिकॉर्ड 32 मिलियन व्यूज़ अचीव कर चुका है, और अभी अभी ही जस्ट परसों हमारी एक फ़िल्म का म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है। फिल्म का नाम करतूत है, जो 11 नवंबर को ही रिलीज़ है, 11 दिसंबर को रिलीज़ है, सॉरी 11 दिसंबर को रिलीज़ है। और इसमें मदालसा शर्मा, मिथुन चक्रवर्ती को आप लोग जानते ही होंगे, उनकी बहू मदालसा शर्मा इसमें हीरोइन है, और साहिल कोहली उसके हीरो हैं, अनूप जलोटा जी उसके प्रोड्यूसर हैं, कौशल्या फिल्म प्रोडक्शन उनका अपना बैनर है जिसके माध्यम से वो फिल्में बनाते हैं। तो उसमें मेरा आइटम सॉन्ग है और परसों रिलीज हुआ है टी सीरीज म्यूज़िक से, और श्रेया घोषाल जी ने अपनी सुमधुर आवाज़ दी है, सिंगिंग सुपरस्टार हैं वो। तो अभी परसों ही रिलीज़ हुआ है और बहुत अच्छा जा रहा है उसका परिणाम। तो भाई कामेश जी काफ़ी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो हम सोच रहे थे एक छोटा सा परिचय आपको करवाते, क्योंकि बातें बहुत हो गई जो है। तो कामेश जी थोड़ा अपना परिचय आप दे दीजिए, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, मित्रों, मैं यहीं प्रतापगढ़ जिले के पास ही एक गांव है, थोड़ा सा देहात एरिया पड़ता है, बुआपुर गांव। नज़दीकी अगर मार्केट की बात करें तो विश्वनाथगंज है। तो मैं उसी छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और एक लंबा सफ़र हमने बॉलीवुड का तय किया है, और मुझे लगता है कि 10 साल तो ज़रूर हो गए हैं बॉलीवुड में हमारे। इसके पहले हमने एक फ़िल्म की थी 2014 में, उसका स्क्रीन प्ले मेरे द्वारा किया गया था, फिल्म का नाम है लाइफ में ट्विस्ट। तो वो भी 2016 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे हमारे गाने पड़े हैं चैनलों पे। कामेश्वर शुक्ला के नाम से मैं लिरिक्स लिखता हूँ, लिरिक्स और स्क्रीन प्ले, और बाकी सफ़र लगातार चल ही रहा है। अभी एक और फिल्म है, उसकी शुरुआत जैसे ही होती है तो हम उसके बारे में भी आप लोगों को और अनुपम जी को जैसा भी होगा अवगत कराएंगे, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे ताकि दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां, नए कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करता रहूं, और अपने इस छोटे से जनपद का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता रहूं, आप लोगों के बीच बना रहूं, आप लोगों का के प्यार का हकदार बना रहूं। तो यही सारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, ये हैं कामेश जी, जो कि प्रतापगढ़ जिले से ही रहने वाले हैं, और ये काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी काम कर भी रहे हैं। आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए जिससे ये और आगे बढ़ें। नमस्कार।